भाग्यश्री जी पापा जो बेटा नानी का ही फोन आ गया। हेलो हेलो नानी, हेलो नानी, अरे नानी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं फोन काट के आपको फिर से फोन लगाती हूँ। हेलो नानी, आपकी आवाज क्लियर आ ही नहीं रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू नानी। अरे बेटा न्यू ड्रेस ले ली? ले ली है नानी। और केक? हाँ नानी, वह भी ऑर्डर कर दिया है। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, शाम को बात करूंगी। बाय। ओके बाय। लीजिए पापा। ठीक है बेटा। रुको बेटा भागती, तुम अपनी पानी की बोतल तो भूल ही गई। अरे अच्छा हुआ मम्मी आपने देख लिया, वरना जल्दबाजी में तुम्हें अपनी पानी की बोतल लाना भूल ही गई थी। बेटा एग्जाम ध्यान से करना, बेस्ट ऑफ लक। क्या है भाग्यश्री? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। अरे अंकल ये बहुत बड़ा एक काम है और काफी कठिन भी है। अरे अंकल हमारे सर बता रहे थे कि इस प्रोग्राम में हमारे देश ने पहली बार हिस्सा लिया है और इस प्रोग्राम में हमारे देश का 73 में से 72 स्थान आया है। अरे भाग्यश्री मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, अपना भारत देश तो सबसे आगे है। नहीं अंकल ये एकदम सही बात है। अरे बेटा तुम कौनों चिंता मत करो, तुम्हारी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, मेरा आशीर्वाद जो तुम्हारे साथ है। अरे आंधी बहुत कठिन एग्जाम है। अरे तो क्या हुआ, तुम मेरे आशीर्वाद को कमजोर मत समझो। तुम्हें शायद मालूम नहीं है मैंने तिवारी जी के लड़के को नौकरी के लिए आशीर्वाद दिया था, उसके अच्छे नंबर आए थे तो तुम्हारे भी अच्छे ही आएंगे। क्यों जी सही कहा ना? आपने कहा है तो सही। How are you? We are fine, ma'am. को पीसा के रिजल्ट का बहुत समय से इंतजार था ना, अब वो इंतजार खत्म हुआ। आप सभी का पीसा का रिजल्ट अब आ चुका है। आप सबके अंक इस प्रकार हैं। संभव? Yes, ma'am. 80 अंक। होशियार सिंह? Yes, ma'am. 60 अंक। आयशा? Yes, ma'am. 70 अंक। लकी? Yes, ma'am. 40 अंक। विजय? Yes, ma'am. 50 अंक। कपिल? Yes, ma'am. 40 अंक। अजय? यस मैम। 50 अंक। थैंक यू मैम। श्रद्धा? यस मैम। 50 अंक। भाग्यश्री? यस मैम। 22 अंक। अरे भाग्यश्री आपके इतने कम मार्क्स क्यों आए? हाँ मैम मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे यह तो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं याद कर पा रही हूँ कि जिस दिन मेरा एग्जाम था उसी दिन मेरा जन्मदिन भी था, तो एक दिन पहले मार्केट भी गई और सुबह से बहुत लोगों के फोन आते रहे। इसमें तो सिर्फ आपका एक ही दिन खराब हुआ ना, बाकी के दिन की पढ़ाई भी तो थी ना? मैम मेरी माँ मेरे को बुआ के दूर के रिश्तेदार की शादी में ले गई थी, वहाँ का खाना पीना ठीक ना होने के कारण आकर मेरी तबीयत खराब हो गई और जिसके कारण मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन मैम कम मार्क्स आने से एक बात तो मेरी समझ में आ गई है। कौन सी बात भाग्यश्री? यही कि इन बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, गुड लक से कुछ नहीं होता। मेरे जन्मदिन के दिन किस किस ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, दादाजी का गुड लक, नानी जी का हैप्पी बर्थडे, माँ का बेस्ट ऑफ लक, आंटी का आशीर्वाद और विद्यालय में सबकी शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी मेरे इतने कम नंबर आए, मतलब ये शुभकामनाएं सब भ्रम है। आपने तो बहुत समझदारी की बात कर दी भागी। आप में से कौन कौन इस बात से सहमत है? अच्छा संभव और आयशा से जानते हैं कि उनके अच्छे अंक आने के पीछे क्या कारण। संभव आपका क्या कहना है? मैम मैंने लगातार पढ़ाई की जिससे मेरे अच्छे नंबर आए। आयशा आपका क्या कहना है? मैम मेरे पिताजी ना तो शुभकामनाएं देते हैं, ना ही गुड लक कहते हैं और ना ही ऑल द बेस्ट। मेरे अंक केवल मेरी मेहनत की वजह से आए हैं और असल में मुझे यही लगता है जो मेहनत करता है उसे ही सफलता मिलती है। गुड, अब आप बैठ जाइए। लकी अब आप भी बता ही दें कि लकी नाम होने का कोई फायदा है या नहीं? अरे मैम अभी तक तो कुछ फायदा नहीं मिला मैम।
आपका नाम लकी क्यों रखा गया? इसके पीछे कोई कारण है या ऐसे ही रख दिया? हाँ मैम, मैंने माँ से पूछा था तो उन्होंने बताया कि मेरे जन्म से पहले ही पापा की एक बड़ी नौकरी लग गई थी जिससे मेरा नाम लकी रख दिया, लेकिन मुझे आज तक इस नाम का कोई फायदा नहीं मिला। आप बैठ जाइए। हाँ लकी, ऐसा थोड़ी ही है कि लकी नाम होने से आपको ऐसी ही सफलता मिलती रहेगी। लकी और अनलकी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सफलताओं की जिन कारणों को हम नहीं समझ पाते उन्हें सौभाग्य का नाम दे देते हैं, और असफलताओं के जिन कारणों को हम नहीं समझ पाते उन्हें दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं। इस विषय से संबंधित टॉपिक्स पर हम कल डिस्कशन करेंगे, वो सभी टॉपिक्स मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। पहला है नास्तिकता और शुभकामनाएं, दूसरा खेल और शुभकामनाएं, तीसरा मनोविज्ञान और शुभकामनाएं, चौथा श्राप और शुभकामनाएं। हाँ तो खेल और शुभकामनाएं विषय पर कौन बोलना चाहेगा? मनोविज्ञान और शुभकामनाओं विषय पर मैं बोलूँ। ओके। श्राप और शुभकामनाओं पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा, लेकिन मैं मुझे श्राप तो नहीं लगेगा ना। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम। डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आयशा शुरू कीजिए। जी मैम, मैं क्रिकेट मैच का उदाहरण देना चाहूंगी। मुंबई में भारत और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि भारत के समर्थक में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा थी, शुभकामनाएं भी भारत को ही ज्यादा मिली, परंतु फिर भी वेस्ट इंडीज के व्यक्ति मैच जीत गए। ऐसे सभी मैचों के बारे में सोचिए जिसमें समर्थकों की संख्या कम थी परंतु फिर भी वे जीत गए। अगर शुभकामनाएं काम आती तो ऐसे देश तो कभी जीत ही ना पाते, और शायद उनका भी हार जाने पर भ्रम टूट जाता, जैसे कि भाग्यश्री का टूट गया। और जो लोग इस बारे में विचार नहीं कर रहे हैं उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा उदाहरण और विश्लेषण। संभव, अब आप अपने विषय पर बोलिए। जी मैम, मैंने नास्तिकता और शुभकामना विषय के चयन किया है। कल मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था और मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि एक सर्वे के अनुसार दुनिया में 16% लोग नास्तिक और तार्किक सोच रखने वाले व्यक्ति शुभकामनाओं को नहीं मानते हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग शुभकामनाओं को मानते हैं और कुछ लोग शुभकामनाओं को नहीं मानते हैं। जो लोग शुभकामनाओं को नहीं मानते हैं वे कड़ी मेहनत से सफल हो जाते हैं और उनका नाम अनेकों जगह पर है, और जो लोग शुभकामनाओं को मानते हैं मगर वे मेहनत नहीं करते हैं जिसके कारण वो सफल नहीं होते। भाग्यश्री, अब आपके बोलने की बारी है। जी मैम, मेरा विषय मनोविज्ञान और शुभकामनाएं है। मैंने थोड़ा बहुत जो इसके बारे में जाना है उससे मैं ये कह सकती हूँ कि लोग मनोवैज्ञानिक रूप से इसमें फंसे हुए हैं। जो लोग तार्किक हो जाते हैं वह इससे बाहर निकल जाते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं और वैसा ही हमें परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन यदि केवल हम विचार ही करें और कार्य ना करें और केवल परिणाम पर ही आश्रित रहें तो ये तो केवल स्वयं को भ्रम में डालना होगा। कुछ लोग कहते हैं इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्य कारण सिद्धांत तो ये कहता है कि हमें असफलताओं के कारणों को जानने के लिए नकारात्मक पक्ष को जानना भी अति आवश्यक है। ओके भाग्यश्री, अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है, और यदि असफलता मिले तो उसके कारण जाने और पुनः प्रयास करें। अब श्राप और शुभकामनाएं विषय पर होशियार सिंह बताएंगे। जी मैम, मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। हमने, आपने, हम सभी जनों ने पुरानी कहानियों में श्राप के बारे में या तो पढ़ा होगा या तो सुना होगा। क्रोध में आकर लोग अक्सर यह कह दिया करते हैं, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी यदि तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हें श्राप लग जाएगा। और किन्हीं कारणवश उनकी बात यदि सिद्ध हो जाए तो लोग इसे श्राप मान लिया करते थे और डर जाया करते थे। और मान लीजिए कि यदि ऐसा ना हो तो किसी का भी साहस नहीं होता था कि इस विषय पर सवाल उठाए जाए और आगे इस पर और भी ज्यादा सवाल उठाए जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे शुभकामनाओं के फेवर पर ना होने पर भी कोई कुछ नहीं बोल पाता। आप सभी ने इस विषय पर बहुत अच्छा प्रयास किया। मानवीय स्वभाव में हमें सिर्फ वही बातें याद रहती हैं जो हमारे फेवर में होती हैं। भाग्यश्री ने जिस घटना से सीख ली है उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए ताकि हम तार्किक निर्णय ले सकें। एक निर्णय आज हम सभी नाटक के पात्र आप सभी लोगों से चाहते हैं कि नाटक अब विराम की ओर है, और जैसा कि हमें सिखाया गया है या यूं कहें कि हम सीख गए हैं कि किसी भी नाटक या कार्यक्रम की समाप्ति पर तालियां बजानी है।
लेकिन आप सभी लोग तालियां बजाने के स्थान पर अपने हाथों को ऐसे बांध लें और इस बात पर विचार करें।